नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशंस। यहाँ पे हमने जो कटिंग की थी अपना टॉप की, जिसकी वीडियो मैंने इसके पहले डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ हम उसकी सिलाई करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दबाएँ लाइक बेल बटन, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अगर आपकी कोई और भी डिमांड हो। तो आइए देखते हैं इसकी सिलाई। पहले हमने ये अपना कपड़ा लिया है, इसको उल्टे साइड से रख के हम अपने अस्तर को ज्वाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आस्तीन पे भी सिलाई चला लेंगे। ये अस्तर को हम सीधे तरी तरफ से जोड़ रहे हैं। ये हमारा कपड़े का उल्टा साइड है जो ऊपर है, तो इसे हम टर्न कर देंगे। जहाँ गुलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे हमारी सिलाई के अंदर ही। इसके बाद हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे। ये हमारी फिनिशिंग के साथ आ गया। अब हम इसको बगल से भी सिलाई चला लेंगे। इस तरफ से हमने इसको सीधा कर लिया है, अब हम बगल से सिलाई चला लेंगे। जो हमने टर्न किया उसके ऊपर भी हम एक सिलाई चला लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा वहाँ बैठ जाए। ऐसे ही हम दूसरे पल्ले को भी अपने सिलाई चला लेंगे। पहले अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे सीधी तरफ से, जैसे मैंने आपसे बताया अभी, जस्ट वैसे ही। इसमें भी हम वैसे ही कट लगाएंगे। Thank you.
फिर इसको टर्न करके हम फिर वैसे ही ऊपर से सिलाई चला लेंगे। नीचे भी यहाँ पे सिलाई चला के इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हम बगल का ज्वाइंट कर रहे हैं। ये हमने दोनों फ्रंट और बैक दोनों का दोनों हिस्सा अपना अस्तर ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद अब हमने जो हाफ पैटर्न काटा था वन साइडेड जैक ऊपर का कवर, अब इसका हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे। ये भी सीधे साइड से ही होगा। इसको ज्वाइन करने में बस थोड़ा सा तरीका अलग होगा। इधर कॉर्नर निकला हुआ है, कोन है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से मशीन चलानी पड़ेगी। इसके ऊपर अस्तर रख के चलाएं। विदाउट अस्तर ये टॉप नहीं बन सकता ना। अच्छा, नहीं अस्तर इसमें जरूरी है इसलिए लगाना, क्योंकि इसमें बिना अस्तर के आपका ये कोन बैठेगा नहीं, डिजाइन जो हमारी है। तो इसके इसलिए चाहे पतला लगाइए चाहे जैसे भी, लेकिन एक अस्तर ज्वाइंट होना जरूरी है। हमने साइड चेंज कर ली है, हमने ऊपर की तरफ अस्तर कर लिया है। ऐसे ही हम सारे कोनों पे मशीन चला लेंगे। यहाँ हम कॉर्नर पे कट लगा देंगे थोड़ा थोड़ा। बगल से हमने सिलाई नहीं चलाई थी, अब हम इसे टर्न करेंगे। ये हमने टर्न कर लिया। हम चलाएंगे इसके ऊपर से एक सिलाई एकदम किनारे पे, ताकि इसका बैठ जाए।
इसकी बगल में भी सिलाई चला रहे हैं। ये हमारा फ्रंट साइड, यहाँ हम इसको जॉइंट करेंगे एक साथ। हम इसका बैक का पल्ला भी ज्वाइन करेंगे, उसको आस्तीन तक हाफ, हमारे वन साइडेड जैकेट को हमने हाफ, वन साइडेड जैकेट को हमने शोल्डर, सॉरी आर्म होल तक ज्वाइन करके, इसके बाद हम अभी यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अब नीचे अपने फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे। ये हमारा नीचे का बॉर्डर है जहाँ पे हम दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट में सिलाई चला लेंगे। इसको ज्वाइन करने से पहले ही ये सिलाई चलाएंगे। हमने नीचे से सिलाई चला ली है, अब हम इसको बगल से ज्वाइंट कर देंगे। बहुत ही इजी टॉप है ये, और देखने में इसके बाद ये रेडीमेड जैसा लगता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये हाथ का सिला हुआ है। तो ये आप इसे एक बार बनाकर बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाहें तो इस टॉप का साइज़ बढ़ा करके थोड़ा 12-13 साल के बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे जीन्स पर यूज़ कर सकते हैं, लेगिंग्स जेगिंग्स किसी चीज़ पे आप पहन सकते हैं, स्कर्ट पे पहन सकते हैं, शॉर्ट स्कर्ट्स पे, लॉन्ग स्कर्ट्स पे, किसी चीज़ पे। पहले हम यहाँ पे हमने जो जैकेट लगाया हम उसको जॉइंट कर रहे हैं। जैकेट और फ्रंट का पल्ला दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं।
अब हम यहाँ पे अपना बैकअप पोर्शन हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे नीचे से। ये देखिए, ये हमारा जैकेट है, सॉरी टॉप है। अब हम इसमें वाइट कलर के बीच बीच में बटन लगा देंगे, 3-4 बटन लगेगा इसमें। जहाँ जहाँ कॉर्नर है हमारे, वहाँ वहाँ हम वाइट कलर का बटन लगा देंगे। और उसके बाद से जब बटन लगाएंगे तो ये इसमें जॉइंट हो जाएगा, तो ये और अच्छा लगेगा।